वेल वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नए वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने कि स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस महीने में, मतलब नवंबर के महीने में आपको कौन सी स्मार्टफोन 30,000 के अंडर में देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली नवंबर के महीने में तो एंड होने वाली है, लेकिन अब अगर आप 30,000 के अंडर में एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आपको कौन सी स्मार्टफोन लेनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ बताने वाली हूँ फीचर्स के बारे में, बताने वाली हूँ कैमरा सेटअप क्या होने वाली है और रैम रोम के बारे में। बस फीचर्स के साथ साथ आपको प्राइस भी बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग से होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक प्लीज आप देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर रोज इस तरह टेक रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुल मिलाकर 5 स्मार्टफोन लेकर आई हूँ जो कि आपको 30,000 अंडर में देखने को मिलने वाली है। तो हमारा जो पहला स्मार्टफोन है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT मास्टर एडिशन का स्मार्टफोन है। तो आपको तो पता है रियलमी के जो स्मार्टफोन होते हैं काफी अच्छा है, काफी फीचर्स के साथ जबरदस्त के हिसाब से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 8GB रैम के साथ आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाले हैं। तो साथ ही साथ 6.43 इंच में आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ साथ सुपर ऑमोलेड के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन साइज काफी अच्छा है। उसके साथ ही साथ आपको कैमरा सेटअप क्या होने वाली है, कैमरा सेटअप में आपको 64 मेगापिक्सल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाली है। साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी देखने को मिलने वाली है। तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर के साथ ही साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। तो आपको बैटरी लाइफ की बात करें, बैटरी लाइफ को 4300 mAh बैटरी के साथ 65W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाली है। अब वैसे 30,000 के अंडर में 5000 mAh बैटरी हो जाता तो काफी अच्छा हो जाता, लेकिन इसमें आपको 65W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों का मतलब बैलेंस में हो गया। तो हमारा जो दूसरे नंबर पे है वो है पोको की तरफ से, पोको F3 GT वाला है। पोको F3 GT में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पे भी 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ 6.67 इंच में आपको फुल HD डिस्प्ले के साथ ही साथ ऑमोलेड भी है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके साथ ही साथ आपको कैमरा सेटअप क्या होने वाली है, कैमरा सेटअप 64 मेगापिक्सल आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या है कि प्रोसेसर में मीडियाटेक डायमंड सिटी का 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि जबरदस्त वाला प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको मतलब 5000 65 mAh मतलब बैटरी के साथ ही साथ 67W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा है। और स्क्रीन साइज भी मतलब स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है, बड़ा स्क्रीन साइज के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो इस लिस्ट का जो तीसरे नंबर पे है वो है सैमसंग की तरफ से। ऑब्वियसली 30,000 के अंडर में काफ़ी अच्छा फ़ोन जो सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52 स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ 6.5 इंच में फुल HD के साथ सुपर ऑमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो 90Hz रिफ्रेश रेट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो उसके साथ साथ 64 मेगापिक्सल आपको क्वाड कैमरा सेटअप होने वाले, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आपको 4 कैमरे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सैमसंग का तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ आपको 32 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। तो स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर के साथ ही साथ 4500 mAh बैटरी 25W का फास्ट चार्जर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो ये ए लिस्ट का जो फोर्थ नंबर पे है वो है Mi 11X 5G वाला है। तो ये भी 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ 6.67 इंच में फुल HD ऑमोलेड के साथ ही साथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ 20 मेगापिक्सल में सेल्फी देखने को मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 875G वाला प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 4020 mAh बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है।
तो हमारा जो फिफ्थ नंबर पे है, ऑब्वियसली मोटरोला को मैंने लिया है। मोटरोला काफी अच्छी तरीके से स्मार्टफोन वगैरह लाते रहते हैं हर महीने, तो कहे को हर महीने उनका स्मार्टफोन अपकमिंग में आ जाते हैं। मोटरोला S20 जो स्मार्टफोन है, तो इसमें आपको सेम 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। तो साथ साथ 6.7 इंच में आपको फुल HD OLED के साथ, और रिफ्रेश रेट में काफ़ी ज़बरदस्त वाला है, 144 रिफ्रेश रेट में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको कैमरा सिस्टम की बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली मोटरोला का स्मार्टफोन है तो उनका 108 में स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है काफ़ी अच्छा है। 108 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल सेटअप देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद 32 मेगापिक्सल में आपको सेल्फी भी देखने को मिल जाते हैं। उनका कैमरा सेटअप काफ़ी ज़बरदस्त वाला है, और उसके साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन मिल जाते हैं। तो उसका जो बैटरी लाइफ है 4000 mAh बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो ये पांचों की पांचों स्मार्टफोन आपको 30,000 के अंडर में आपको इस तरह प्राइस के हिसाब से और इस तरह फीचर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपके ये मतलब बताया कि फीचर्स क्या होने वाले, प्राइस कितने होने वाले, और रिव्यू वगैरह भी मैंने चेक किया है, रिव्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है, ये स्मार्टफोन आपको मिल जाते हैं। तो अगर चाहते हो खरीदने के लिए नवंबर के एंड में, तो ऑब्वियसली 30,000 के अंडर में ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे के साथ देखने को मिल जाते हैं। अगर लेना चाहते हो तो इनमें से कौन से भी लेना चाहते हो तो मतलब लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर लेना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी और कौन सी स्मार्टफोन आपको सही लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसी लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह टेक रिलेटेड अपडेट ही पोस्ट करती रहती हूँ। हर रोज़ इसी तरह मतलब टेक रिलेटेड पोस्ट के साथ टेक रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी बनाती रहती हूँ। तो आप जरूर चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कौन सी स्मार्टफोन अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।